ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गुरु विष्णु गुरु, गुरु देवो महेश तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तदपदं दरशितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः मोषमदीन दीनहित तुम तो समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मनी हरू विषम भवभर हित हम परने हूँ करि कृपा मोहि बरदेह जो स्वरूप बस शिव मनमाही जहि कारण मुनि यतन सो स्वरूप देखूँ भरिलोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन बोलो जय शिया राम जय जै, जय शिया राम बिनु सतस विवेकनोय राम कृपा बिनु सुलभन जा पर राम कर कृमर तापर कृपा सब कोई जापर कृपान करी त्रिपुरारी सोनर पावन भगति हमारी मम नाथपुरारी तिभुवन महिमा विदित तु शिवसेवा करफलसुत सोई अविरलभगति राम पद हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम जपे जा तु बंदे सुबह और सा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।, राम कथा के ते अधिकारी जिनका हूँ सत गतियति प्यारी राम कथा काली बिटप कुठारी सादर सुनो गिरी राजकुमारी सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कहाँ कबीर वादास की कौन सुने फरियाद दुख में सुमिरन तू किया दुख में गया तू भूल दुख में सुमिरन तू किया सुख में गया तू भूल जो सुख में सुमिरन करता तो तेरी प्रार्थना होती कबूल बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री रामचरित मानस भाग उनतालीस भरत प्रसंग हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी भगवान श्री राम जी से खड़ाऊ मांग करके अयोध्या वापस जाने लगते हैं पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर अर्थात गंगा जी पार कर सिंगवेरपुर में हुआ वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया फिर सही नदी के तीर पर उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुँचे जनक जी चार दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज समान को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझकर तथा उन्हें समझाकर उद्यत किया वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊँचा नीचा अर्थात छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा संकोच न कीजिएगा भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम तो कुछ समझोगे जो कुछ कहोगे जो कुछ समझोगे जो करोगे वही जगत में धर्म का सार हो जाएगा भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा दिन मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादुका को पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुका की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के बेस वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुछ की आसनी बिछाई पृथ्वी को खोद करके इसलिए उन्होंने अपना आसन लगाया कि भगवान पृथ्वी पर सोते हैं और मैं अगर पृथ्वी पर सोऊंगा तो उनके बराबर हो जाएगा इसलिए उन्होंने जमीन में गड्ढा गुफा बनवाई कि ताकि भगवान के नीचे हम सोएं। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों को वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर स्वयं कुबेर भी लजा जाता था उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास ऐश्वर्य को वमन की भाँत त्याग देते हैं फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं फिर भरत जी तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक और नीर छीर विवेक की विभूति अर्थात शक्ति से हंस भी सराहना करते हैं और उनकी सराहना होती है भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है बल और मुख की छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है संस्कृत कोष में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण है विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है चौदह वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरत अर्थात स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है वह अपने समाज अर्थात नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचा जाते हैं और वहाँ औरों की तो बात क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी नहीं पहुँच सकते वे नित्य प्रति प्रभु की पादुका का पूजन करते और हृदय में प्रेम से प्रफुल्लित रहते पादुका से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार अर्थात सब प्रकार के राजकाज करते शरीर पुलकित है हृदय में माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जीभ राम नाम जप रही है नेत्रों में प्रेम का जल भरा है लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी और माता जानकी जी तो वन में बसते हैं परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं भरत जी की परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र सुनकर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है पाप रूपी समूह हाथी के लिए सिंह है सारे संतापों के दल का नाश करने वाला भक्तों के मन को आनंद देने वाला और भाव के पार अर्थात संसार के दुख का भंजन करने वाला प्रभु श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा सार अर्थात अमृत है प्रभु श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों का अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता ऐसा गोस्वामी जी अपने लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको आशय अवश्य ही श्री सीताराम के चरणों में प्रेम और स्नेह होगा तथा सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा इस तरह से अयोध्या कांड का समापन होता है अब तृतीय भाग अरण्य कांड प्रारंभ होता है धर्मरूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूहों को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन रूप ब्रह्माजी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय भगवान श्री भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूँ जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर अर्थात वर्ण एवं आनंद घन है जो सुंदर बक्कल का पीत वस्त्र धारण करते हैं जिनके हाथों में बाण और धनुष है कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है कमल के समान विशाल नेत्र और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले मैं श्री रामचंद्र जी का भजन करता हूँ हे पार्वती ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गुण हैं उन्हें कोई पंडित और मुनि ही समझकर वैराग्य को प्राप्त होता है परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं पूर्वासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी अपने हाथ से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ सारे गहने माता जानकी को पहनाए देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौए का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है जैसे कोई महान मंदबुद्धि चीटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो वह मूढ़ मंदमती कारण से अर्थात भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मारकर भाग गया जब रक्त वह चला धार निकल गई रक्त की तब भगवान श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख अर्थात सरकंडे का बाढ़ संधान किया श्री रघुनाथ जी तो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा ही प्रेम रहता है उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा कौआ भयभीत होकर भाग चला वह अपना असली रूप धारण करके इंद्र के पास गया जो उसके पिता थे पर भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसे नहीं रखा तब वह निराश हो करके के उसके मन में भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा रखना तो दूर रहा किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा भगवान श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है काकभुसुंडी जी कहते हैं हे गरुण सुनिए उसके लिए माता मृत्यु के समान पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करनी करने लगते हैं देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरनी यमपुरी की नदी हो जाती हैं हे भाई सुनिए जो श्री राम जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई क्योंकि संतों का स्वभाव ही बड़ा कोमल होता है उन्होंने उसे समझाकर तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भेजा उसने जाकर पुकार कर कहा हे शरणागत के हितकारी हे शरणागतवत् स्थल मेरी रक्षा कीजिए मैंने आपके बल को जानना चाहा था अतुर और भयभीत जयंत ने जाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा हे दयालु हे भक्तवत्सल रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए त्राहिमाम शरणम त्राहिमाम शरणम आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता अर्थात सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त अर्थात दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया उसने मोह बस द्रोह किया था इसलिए अद्यप उसका बध ही उचित था पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा चित्रकूट में बसकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बहुत से पवित्र चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं फिर अर्थात कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए शरीर पुलकित हो गया अत्री जी उठकर दौड़े उन्हें दौड़े आते देखकर भगवान श्री राम जी और भी शीघ्र चले आए दंडवत करते हुए भगवान श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को अर्थात दोनों भाइयों को नहला दिया भगवान श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु को बहुत अच्छा लगा प्रभु आसन पर विराजमान हैं नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे अत्रि मुनि कहते हैं हे भक्तवत्सल हे कृपालु हे कोमल स्वभाव वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं हे प्रभु आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि से परे अथवा असीम है आप तरकस और धनुष बार धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों को समूह का नाश करने वाले हैं आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा और देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं हे लक्ष्मण पते हे लक्ष्मी पते हे सुखों के खान और हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे सची के पति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों की सेवा करता है वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरता आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता वह मुक्त हो जाता है जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं उन अर्थात आपको जो एक अर्थात अद्वितीय अद्भुत अर्थात माइक जगत से विलक्षण प्रभु अर्थात सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर अर्थात सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन अर्थात नित्य तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भावप्रिय कुयोगियों अर्थात विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं मैं निरंतर उन्हें भजता हूँ हे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति हे जानकी नाथ मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ मुझ पर प्रसन्न होइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्रि मुनि बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं है मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े सदा आपके श्री चरणों में लगी रहे मैं सदा आजीवन आपकी सेवा करता रहूं। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीताजी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण कमल पकड़ उनसे मिली ऋषियों के मन में बड़ा सुख हुआ उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया ऋषि पत्नी के मन में इतना प्रसन्नता हुआ कि सीताजी को उपदेश देने लगी उन्होंने दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते थे ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों को कुछ धर्म बखान कर कहने लगी उन्होंने कहा हे राजकुमारी सुनिए माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं सुख देने वाले परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों का विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन क्यों न हो ऐसे भी पति का अपमान स्त्री के लिए यमपुर में बाँति बाँति के दुख उत्पन्न कराता है शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है एक ही व्रत है और एक ही नियम है जगत में चार प्रकार की प्रतिव्रताएँ होती हैं वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं उत्तम श्रेणी की जो प्रतिव्रता है वह मन में ऐसा भाव बसा कर रखती है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है मध्यम श्रेणी की जो स्त्रियां होती हैं वह दूसरे पुरुष को भाई पिता पुत्र के समान देखती हैं और जो तीसरी तरह की स्त्रियां होती हैं धर्म विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निकृष्ट नियम श्रेणी की स्त्री है ऐसा वेद कहते हैं और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है उसे जगत में अधम स्त्री जाना जाता है किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वह जवानी में ही विधवा हो जाती है स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा से वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं पतिव्रत धर्म के कारण भी आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं हे सीता सुनो तुम्हारा तो नाम लेकर स्त्रियां प्रतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो प्रभु राम जी के प्राणों के समान तुम्हें तो प्रभु राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं यह प्रतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया तब कृपा की खान भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब दूसरे वन को जाऊँ ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम रामकथा सु दरकरतारि संसयविहगौ श्री श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सोमिरि पवन सुत पावन राखे राखु राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम।, राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ओम शांति शांति शांति